नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज 17 सितंबर यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन है। आपको बता दें कि सुबह सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी थी, तो अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शनिवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी। तेजस्वी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी और तेजस्वी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूँ। तेजस्वी की यह बधाई इस मायने में बेहद खास है क्योंकि पिछले महीने ही नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। अब तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री पद संभालते हुए पीएम मोदी को बधाई दी है। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी तैयारियां की है। देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पक्ष और विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, देश के सर्वप्रिय नेता व हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। मोदी ने अपने भारत प्रथम की सोच व गरीब कल्याण के संकल्प से असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया है। भारत के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। मेरी कामना है कि आपके द्वारा अतुलनीय परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा और सृजनशीलता के साथ किया जा रहा राष्ट्र निर्माण का अभियान आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मेरी शुभेच्छा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ व दीर्घायु बनाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र। ईश्वर करे कि वह हमारे देशवासियों के इतने सारे अंधेरे को दूर करने के लिए काम करे और इसके बजाय उन्हें प्रगति, विकास और सामाजिक सद्भाव का प्रकाश दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, अंत्योदय हेतु राष्ट्र आराधना में सतत रत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम माँ भारती के परम उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। तो देखिए, तमाम नेतागणों का जो है बधाई आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, चाहे वो पक्ष की पार्टियां हो या विपक्ष के नेता हो, जो भी हो, राजनीति भले अपने तरफ, लेकिन आज जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसलिए सारे नेता एक एक कर अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। सुबह सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दी, उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दिया। तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।